नमस्कार राम राम जी, मैं हूं आपका अपना कुमार। स्वागत है जी आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल प्रोग्राम चौधर हरियाणा की। और आज इस चौधर को महकाने हम पहुंचे हैं जी मिर्जापुर, और ये हिसार का गांव है। और हमारे साथ हैं जी इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि संजय सोनी जी। तो सबसे पहले संजय जी, स्वागत आपका हरियाणा बीट्स टीवी चैनल पर। सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ हमारे गाँव में आए और हमारी समस्याएं सुन। अच्छा तो संजय जी, पहले तो आप ये बताएं कि कितने वोटों से आपके जो गांव में टोटल कितने वोट हैं और जनसंख्या कितनी है इस गांव के, मिर्जापुर के बारे में थोड़ा सा बताइए। गांव मिर्जापुर के अंदर जी दो पंचायतें बनती है। अच्छा। एक मिर्जापुर और एक पन्ना महराणा। पन्ना महराणा के अंदर लगभग 2750-2800 वोट है जी। जी तो मेरी जीत हुई है, गाँव राम ने खूब मिलजुल के सहमति से बनाया है जी। कितनी वोटों से जीते हैं? लगभग 500 वोटों से जीत हुई है जी। अच्छा। तो गांव की बात करी जाए, देखो क्या होता है संजय जी की जो मोस्टली गांव में जो मुद्दे होते हैं सरपंच का, जब भी इलेक्शन होता है तो भाईचारा जब भी इकट्ठा हो जाता है और वो चुन लेते कोई भी एक प्रतिनिधि, भाई चलो इस बार सरपंच हम आपको बना रहे हैं। तो आपके गाँव में भी इस प्रकार से ही सरपंच जो प्रतिनिधि का जो चुनाव इसी प्रकार से हुआ था, या फिर जो आपके गाँव के जो मुद्दे थे वो अलग थे? नहीं, गाँव का सभी का इकलास था जी, और आपसी में कोई किसी का भेदभाव नहीं था, और गांव के मुद्दों पे इलेक्शन है जी। अच्छा जी। हाँ। बात की जाए मिर्जापुर की, तो आपके गांव में कौन कौन सी ऐसी जो समस्याएं हैं जो लगता है कि आपको उन पर जितना जल्दी हो सके उन पर काम करने की जरूरत है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं गांव में? मुद्दे जी सबसे पहले तो युवा बच्चों के लिए। अच्छा जी। स्टेडियम है जी, स्टेडियम का अभी तक काम अधूरा पड़ा है, उसका काम पूरा करवाना है। सभी युवा बच्चों ने मेरा साथ दिया था, मैं उनके वायदे पे पूरा खरा उतरूंगा। अच्छा, युवाओं को आपने वादा किया था कि सरपंच बनते तो आप स्टेडियम बनवाओगे बच्चों के लिए, पूरा काम। तो स्टेडियम के लिए कोई जगह वगैरह गांव की तरफ से कोई सिलेक्ट हो गई कि हम वहां पर स्टेडियम बनेगा, इस तरह से कुछ? हाँ, स्टेडियम के लिए जी गाँव की पंचायत की जमीन है 7-8 किले, और उनके अंदर 4 दीवारी भी निकल रही है और आल कमरा भी आधा बना हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ। उसका जो बजट वगैरह मिल गया? हाँ, उसका आधा बजट आ रहा है जी, और बाकी 2 किस्त उसकी पेंडिंग है। अच्छा, वो आने के बाद स्टेडियम का काम पूरा करवाऊ। अच्छा, कितना बजट बना गांव इसके स्टेडियम का? स्टेडियम का जी लगभग दुष्यंत चौटाला ने 57 लाख रुपए की ग्रांट जारी की थी, और अभी तक 21 लाख रुपए आए। 21 लाख रुपए आ चुके हैं, और बाकी 36-37 लाख रुपए पेंडिंग अभी तक। अच्छा, और अगर गांव के मुद्दों की बात करी जाए तो स्कूल वगैरह, शिक्षा वगैरह, किस तरह का गांव में माहौल है और कितना और आपको लगता है कि इसके ऊपर भी अभी कितना और काम करने की जरूरत है? देखो जी, शिक्षा की तरफ इतना ध्यान नहीं है जी, ना तो गाँव के लोगों की रुचि है और ना और क्यों, आपने भी पता है कई जगह स्कूल मर्ज किए गए हैं। तो इसी तरह आपने भी गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो मर्ज कर दिया गया है। अच्छा जी। हाँ, तो उसके अंदर दूसरे गांव के स्कूल के साथ ऐसे? हाँ जी। कौन से गांव में कर दिया? ये पन्ना महराणा के अंदर है। अच्छा, दोनों गांव का एक कर दिया, दोनों पंचायतों का जो है एक स्कूल कर दिया गया। एक मिर्जापुर के अंदर है बड़ा स्कूल I+2 तक, और एक गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पन्ना महराणा के अंदर है। अच्छा जी। तो वो मर्ज कर दिया गया, उसके अंदर बच्चे भी लगभग 400 से 425 हैं और स्टाफ कम है जी उसके अंदर, तो मर्ज कर दिया गया है जी। तो युवा बच्चों ने उसका वो भी किया था, भाई किसी तरह ये काम चालू हो जाए और स्कूल मर्ज ना हो, तो इतना वो नहीं हुआ जी। अच्छा, आपको मतलब गांव की तरफ से भी उतना साथ नहीं मिल पाया कि आप उस चीज को रोक पाए? साथ नहीं मिल पाया जी। अच्छा अच्छा। और अगर बात की जाए गांव में, चाहे वो फिर गलियों को लेकर हो या फिर जोड़ वगैरह की खुदाई हो, तो इस तरह के और काम ऑलरेडी गांव में हो चुके हैं या फिर उन पर भी अभी काम करने की जरूरत है? जैसे हिसार के नीचे या गाँव है मिर्जापुर, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, जो तरक्की गाँव ने करनी चाहिए वो नहीं कर। अच्छा जी। गाँव के अंदर पानी की समस्या थी सबसे ज्यादा, तो समस्या है गाँव के अंदर जो गंदे पानी की निकासी है वो बाहर नहीं जाती, सारा पानी गाँव के अंदर ही रुका है। अच्छा जी। जिसे बीमारी फैलती है। और दूसरी जो नलकों का पानी आता है उसमें कई जनिया का पानी चढ़ा है जी, कई ऐसे गरीब परिवार है जिसका पानी नहीं चढ़ता, और उसके लिए मैं SDM से ही मिला हूँ, अनिता शर्मा है जी शायद, मेरे को नाम पूरा कन्फर्म नहीं है, JEE से भी 2-3 बार बात हुई है, कई पर शिवर फटा हुआ है, तो उसके बारे में मैंने बोला था उसको, भाई इसको ठीक करवा, गंदा पानी जा रहा है, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ जी, मैंने ऊपर भी शिकायत की हुई है इसकी। अच्छा, कोई ड्रेन वगैरह नहीं बनाएगी कि जहाँ से जैसे कि बारिश का मौसम आए तो पानी वानी वहां पर गांव का जो निकासी पानी की हो सके, इस तरह से कोई ड्रेन वेन नहीं आसपास के गाँव?
गांव के आसपास की ड्रेन नहीं खुदी जी, यहाँ पे सीवर दबे थे। सीवर दबे, हाँ जी। उन सीवर का पसली पंचायत में लेवल ठीक नहीं होने के कारण वो पानी बाहर नहीं गया। अच्छा जी, गांव के अंदर ही खड़ा रहता है। तो अब ये ग्रे वाटर की तरफ से हमारे पन्ना महराणा के 26-27 लाख रुपए पास हो रहे हैं। पास हो चुके, हाँ जी। तो तीन जोड़ हैं, एक कारखाना जोड़, एक गुला जोड़ और एक वाल्मीकि जोड़। इन तीनों का पाइप दबकिन है और लेवल जो पंचायत की जमीन है 7 किले, उसके अंदर जाना है ये पानी, गंदा पानी। तो उसका भी मैं एक्शन साहब से मिलिया था, माँ जी ये टेंडर हो रहा है और काम चालू करवाओ। मना कर दिया जी, बोले ये अब हमारे पास नहीं है। उसने डिपार्टमेंट का नाम लिया था जी, एरीगेशन ऐसा, बोले उनके पास चलिया गया। तो एक बार दोबारा फिर मैं 5-7 मौजूदा लेके और मिलूंगा उनसे। अच्छा देखो, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि हिसार के काफी नजदीक आपका गांव है और आपका इतने इतने बड़े शहर के नजदीक गांव होने का फायदा और ज्यादा होना चाहिए था, और ज्यादा विकास आपके गांव का होना चाहिए था। तो कहां कहां पर आपको लगता है कि कमियां गांव की रह गई, पंचायतों की रह गई, जहां पर अगर काम होता तो शायद और ज्यादा फायदा गांव को हो सकता था? देखो जी, सबसे पहले तो गांव के अंदर शिक्षा, शिक्षा गांव, हाँ जी, लाइब्रेरी बनी थी पीछे आज से 3 साल पहले। वो लाइब्रेरी डैमेज हो चुकी जी, अब दोबारा ई टेंडर के द्वारा उसका 8.5 लाख रुपए का बजट आया हुआ है। तो जो इन सरपंचों ने मुद्दा उठा रखा है, सरकार ने 2 लाख रुपए का वो दिया है अधिकार। 2 लाख रुपए में सरपंच क्या काम करवाएगा? तो उसके लिए जो सरकार ने ई टेंडर द्वारा काम चालू करे ही 8.5 लाख रुपए का बजट पास किया है लाइब्रेरी का, और उसका काम अभी मौजूद मौके पे स्टार्ट है जी, चालू है। तो कोई ठेकेदार का फोन, ठेकेदार के पास फोन करते हैं, ठेकेदार फोन नहीं उठाता। अच्छा, वहां पे जाके देखते हैं, मजदूर मिलते हैं काम करने के लिए, उनसे बोलते हैं भाई ये काम ऐसे करना है, वो बोलते हैं जी ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार के पास फोन करते हैं, ठेकेदार फोन नहीं उठाता। अच्छा। तो ये पंचायत, ये सरपंच बना तो दिए सिर्फ गालियां सुनने के लिए। अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो क्यों इलेक्शन करवा आई? पर 2 साल से BDPO सेक्रेटरी ये संभाल रहे थे, ये इतना खर्चा लगाया पंचायतों के इलेक्शन पे, वही कर लेते। अच्छा, एक ये जिसको लेकर का खासकर दलील ये दी जाती है कि जो सरपंच है कि भाई आप पहले भी पंचायतों पे इल्जाम लगते कि भाई वहाँ की पंचायत इतना पैसा खा गई, इतना ग्रांट खा गई, तो कहते कि उस चीज का चीज को बचाने के लिए भाई उस तरह घोटाला ना हो, तो इसीलिए इसमें सुधार करने की कोशिश की गई है और ये दावा किया जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? देखो जी, मैं सभी को ये नहीं बोल सकता, हाँ उसका है 100 में से 5-10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये किया होगा। अच्छा, और गाँव मुखिया आदमी चुनता है और वो मुखिया आदमी गाँव के साथ कभी ऐसा नहीं करता। हाँ जी, ये जो कहावत है ये गलत है। अच्छा, एक जैसा कि आपकी अगर बात करें तो आप युवा भी हैं और सरपंचों के लिए कई जगह ये बोला जाता है कि जो सरपंच का देखो थोड़ा सा उम्र दराज होना, अनुभव होना, जिसको भाई पंचायतों का ज्ञान हो, वो होना जरूरी है। या फिर आपके हिसाब से जैसे युवा है तो युवा काम को लेकर भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहता है, बहुत ज्यादा जोश में रहता है, तो आपके हिसाब से कौन सा मतलब युवा सरपंच सही रहता है कि अगर जो उम्र दराज है जिसको अनुभव, वो सरपंच अच्छी से कर सकता है सरपंच? देखो जी, जो 50-55-60 साल उम्र के सरपंच बनते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि वो काम नहीं करवाते। अच्छा, जो 20-25-30 साल का युवा बच्चा है वो युवा सरपंच के पास जाके कुछ भी काम करवा सकता है, और जो बड़ी उम्र का हो गया उसके पास जाने से बड़ा हिचकिचाता है। तो युवा बालकों क्या चाहिए? सिर्फ शिक्षा और खेलकूद ग्राउंड। तो ये जो बड़ी उम्र के है इनके साथ सामने वो बोलने से बड़े हिचकिचाते हैं। तो काम तो बड़े बुजुर्ग भी करवाते हैं, हम ये नहीं कहते भाई युवा आदमी काम करवाओ, वो भी करवाते हैं काम। तो चलिए लास्ट में आपसे यही पूछेंगे कि अभी फिलहाल आपको कौन सा ऐसा गांव का ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर काम होना बहुत जरूरी, गाँव की बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की, कोई एक ऐसा काम जिस पर सबसे ज्यादा अभी जरूरत है? मेरे गाँव के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है जी, आज के दिन है जो गंदे पानी की निकासी है वो जल्द से जल्द बाहर की तरफ की जाए। क्यों? अब 6-7 महीने में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, तो जो ये नलकों का टूंटियों का पानी आता है यही बाहर नहीं निकलता, तो बारिश का पानी कहाँ से बाहर निकल जाएगा? जो गरीब बस्ती है
वो लगभग यहाँ से गर्म मकान छोड़ के आपके और बाहर जाके बसती है जिस टाइम बारिश का मौसम आता है। और दूसरा है जो नलकों से पानी घर पे आता सप्लाई का, वो नहीं पहुंच रहा जी। सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या है जी गांव के अंदर। तो ये थे जी हमारे साथ संजय सोनी जी, जिन्होंने गांव के मुद्दे पर काफी खुलकर बात की और बताई गांव की क्या क्या समस्या, और जो फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा जो गांव को जरूरत है वो है पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। तो संजय जी आपने हमसे बात की, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए जी अब आपको गांव में ले चलते हैं और कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं गांव के बारे में, गांव के इतिहास के बारे में और क्या क्या और जो समस्याएं हैं गांव की जो दूर होनी चाहिए। चलिए जी। तो जी फिलहाल हम गांव के बीचों बीच हैं और मिर्जपुर में यहाँ पर मेरे सामने कुछ बुजुर्ग हैं जो कि ताश तोश खेल रहे थे और हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया है। चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं गांव के बारे में। तो सबसे पहले तो जी राम राम सारा ने, क्या नाम बताओ जी आपका? पहले मेरा नाम जय कुमार है। अच्छा जय कुमार है, आप क्या करा रहता हूँ? खेती करो। अच्छा खेती बाड़ी करो, तो खेती किसी को रही है पहले तो बताओ, गेहूँ गेहूँ किसी को रही है? गेहूँ ठीक है भाई, ठीक है, पैदावार बढ़िया है। पैदावार बढ़िया है, धाना की पैदावार भी अच्छी हुई थी, इसकी अपने गेहूं की भी अच्छी। अच्छा कि मैं लगा कि मैं बोनस मानस मिल जाएगा कल? बोनस तो गवर्नमेंट के ऊपर सरकार के ऊपर है, देना भी चाहिए, अनदाता है, इसकी जितनी मदद करे उतनी थोड़ी हो गए। अच्छा जो आता वो खेती बाड़ी आप करो हो, और पहले जो किराया कर दे 5-10 साल, मतलब मैं 5-10 नहीं कम से कम 20-30 साल पहले की बात करूंगा जो खेती बाड़ी वार दी, तो जब गणे मतलब ठीक रहा थी खेती बाड़ी वाली बढ़िया था कि ई वाली जो खेती बाड़ी है इतनी सारी मशीन आ गई है, इतने सारे साधन आ गए हैं, तो कौन सी बढ़िया? भाई सहूलियत तो ईब है, सारे सौदे की ये मजदूरी जो कर, पहले मजदूर मिल जाया करते, ये मजदूर नहीं मिलते तो मशीन का काम चल रहा है। अच्छा वो सहूलियत हो रही है, एक आदमी पहले तो 10 आदमी होंगे वो 10 किले ने संभालिया करते, 15 किले संभाल लेते 10 आदमी, ये भी एक आदमी 50 किले ने संभाल ले। ये चीज होगी। लेकिन खान पान मतलब वो बढ़िया था, खान पान की अगर बात करें वो देसी था जी, ये ना देसी मिर्च रह रही, ना देसी टमाटर रह रहा, ना प्याज रह रहा, तो सारा हाइब्रिड में आ गया। एक ये भी था कि पहले मनसा धो रहा टाइम नहीं मारता, जो करीब सारे इतने इकट्ठे बैठ जाए इतना काम बहुत आया कर दे, तलके लेकर सांस तक लगे रहा दे काम में, मशीनरी कौन थी ना, मशीनरी कम थी, बड़दा ही खेती होया कर दी। दो जने तो बड़दा पर आया कर दे, और भाई और 4-5 जने और होंगे नूड़ा पता मर और सारा सौदा घर के सारे उसे में लटा पिंड रहा कर दे, एक आदमी 50 किले खेती कर दे। बिल्कुल। अपना जो गांव है मिर्जापुर है ये अशहर का काफी नजदीक है, 10-1 किलोमीटर फर्क है, 10-12 किलोमीटर का फर्क है, तो बचपन में आया करता चलो भाई सार लो है मेरा बाज गए भाई घर क्या ना धमका धमकू दिए खूब जा करते भाई। पहला चुकर बरात आंदी ना तो बस आंदी ट्रक आंदे तो उड़े तो रेल की लाइन है 5 किलोमीटर उड़े जाए लेंदे बस में चढ़ के आवागे उठे है, और कच्चे रास्ते होंगे कच्चा में बस दे रेत में और वापिस फिर बस की धूल भी ऊपर को सारा सौदा लम लेट होया करता। अच्छा फिल्म फिल्म देखने जा करते तो कदे गए ओला अल्लाह म कदे हां सारा सोए दशहरा वाला दिन गए रामलीला देखी। अच्छा रामलीला जा घर घर के धमका दिया करते वो धमका ही दिन साले दिन का काम। पहले एक ये था कि पहले जो अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हार दे वो मतलब अचकचा नहीं करते, बल्कि आजकल के जो बालक है ना बड़ा डर लागे है, मैं खुद का बुजुर्ग भाई नहीं धमका जाता भाई, जो पड़ोसी का उसी तो कह नहीं जाता जमा अपना देते, बल्कि डर लागे है। और पहले वो ये अगर अड़ोस पड़ोस का कोई बुढ़ा भी होता वो भी कुणबा का होता तो धमका दिया करते, शर्म भी होया करते, ये कोने मान ले वो बात, क्यों जब आ गया ये फोन वाला सिस्टम ऐसा हो गया है सारे गोद में जूत गिल रहे हैं, सारे गोद में जूत गिल रहे हैं। अच्छा तो हमारे गले वाड़ा है और भी कुछ ताऊ बैठे हैं, उनसे भी पुरानी बात पूछेंगे गांव राम के बारे में। तो ताऊ जी नंबरदार आप अभी भी हो फिलहाल? अच्छा
तो नंबरदार का काम पहला ज्यादा बढ़ेगा कि इब मतलब काम ज्यादा ज्यादा पहला गणा था कि इब ज्यादा पहले तो काम घटका नंबरदारी पे था हरियाणा में जो नंबरदारी का जो रुतबा है वो बड़ा ही रहा है कि भाई मारे जो नंबरदारी वो दादा लाई नंबरदारी है अपने मतलब हर प्रशासन में जो पद हुआ वो 5 साल के लिए हुआ है लेकिन नंबरदारी का वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। तो आपकी मतलब कितनी पुरानी नंबरदारी हो गया? हमारी तो दादा परदादा सारी नंबरदारी अंग्रेजा के टाइम पे शुरू की। अंग्रेजा टाइम पे है नाले। अच्छा गांव राम की अगर बात करा तो कितना कुछ बदल गया, टाइम कितना बदल गया, पहले किस तरह का माहौल हुआ अगर था अरे ईब किस तरह का माहौल था भाई घना बदल गई। अच्छा के मतलब के घना था आपने के दिखा भाई वो घना यह चीज बदल गई गाँव में सारी चीज बदल गई जी हर चीज जो होया कर दी पुराना टाइम बताओ मतलब घर में कोई भी फंक्शन होता कोई भी ब्याह शादी होती या फिर भाई कोई पीलिया कुछ आंदा देना कोई प्रोग्राम होया करता तो मदद बड़ी कर एक दूसरा वो चीजें ईब नहीं रह गई तो ब्याह में जाके राजी करी और पहले तो नूह जिंदा फलाना का जने में जाना है आज यो चुहार आया क्या क्यों कमी खुल पहली कमी थी भाई कमी में मतलब वो यानी ईब कमी खुल रही। अच्छा बात करी जा देखो जी फागण का महीना चल रहा है तो किस टाइम किस तरह का माहौल हुआ करता पहले फागण में मतलब किस प्रकार लोग खेल लिया करते पहला तो बस सारा दिन अपना पानी और कोरडे खूब खाया करते कई दिन पहले शुरू हो जा रहे खेलना तो 5-4 दिन तो पहला शुरू हो जा करता भाई तो तीन दिन का ही रह गया वो भी 5-4 घंटे का 5-4 घंटे रह पहले मतलब खेल कूद मतलब था खूब था भाई रात तक ही खेल लिया करते कई लुगाई इकट्ठी हो गया के ताड़ी बजाती रहे अपना नाचिया कर दी अब वो माहौल नहीं रहा यार पहले मतलब नुकार दे असी में खोल भी बहुत काली नहीं माना मैं कौन मैं काली नहीं मुक्की में गई दे आज के खिला अच्छा अच्छा खान पान बड़ा बदल गया पहले के मानस नुक है तो वो ठाडी ठाडी होया करते बे खुराक नुक बे कोई पाया की ऊपी जाया करदा को भाई नुकार दे इतना मीठा खा जाया करदा नु करदे मारे बूढ़े बड़े ठाडे होया करदे तो ये सच में होया पाया का तो सब बस कुन भाई कुन खांदा पाया का हलवा कर ले तो आने 8-10 डी है नहीं तो वो पाया की का हलवा नहीं खा सकते थे और जो पहले आधा तक किलो की का हलवा खा जा करते थे। अच्छा अपना था कोई ऐसा बुड्ढा जो जिसके बारे में बता दियो वो इतना खा जा करता अपने को परिवार में कोई ऐसा कोई अपने दादा था किलो की पी जिंदा हर हर मतलब घाट में भी पचाया था और 50 जंदा किलो की क्योंकि मेहनत घनी करा करते जाते और एक एक टोकनी खीर खा जाते इसे बुढ़े हुआ कर दे जिसे हुआ कर दे। और आजकल जो खाना पीना है चाउमीन बर्गर है तो बात यह है फास्ट फूड का जमाना है क्या है सारे चाउमीन का ये के नाम पकौड़े पे आ गए हैं और बेचारे ये बर्गर सरकर ये हो गया सोता। अच्छा एक ना परिवार पर बहुत बड़े बड़े हुआ कर दे और जो घर के जो बड़े हुआ दिन है पूरी दाब रहा कर दे आजकल के बड़का हुआ चीज पहले तो एक बार छोट जो बात उठिया उठिया वो मैंने होगी वहाँ हरी मैंने पंचायती मानस बहुत पंचायती भी हो रहा बहन भी लिया सारी बहन भी लिया हाँ ये कोनी वो बहुत परिवार होंगे भाई आपस में इज्जत होया कर दे ये फैल गया सारा सोता छोटा काम होया कर दे 3-4 किलोमीटर में हो रहा है गांव भी जनसंख्या बढ़ गई और भाई यह तो कर वो बुढ़े तो बैठते भी कौन ना वो इतने बुढ़े रह रहे हाँ, बुढ़े भी रहे। चाहिए नहीं रहे चाहिए बैल को सारे पल्ला पास भी रहा भी सारे चाहिए का बैल को बस छोड़े है जुगाड़ में 8 किल्ले 5-7 किल्ले का मैं को सारे घर रहे हो और ये कड़ता कड़ता ही गया देख एक जो पुराना टाइम बना है जो अतिथि सत्कार हुआ करते ने यानी कि गांव चोको बटे हुआ जांदा को गुआंडी आ जांदा को गोती भाई आ जांदा इज्जत बहुत करया कर दे ईब वाली बात चीज भला भाई जो कर पड़ोस में बैठे हुए जांदा या और दूध का गिलास लेके जाया कर दे और अगला ठहरा भी लेंदे
अखबार तो मेरे नाम का रुकना है तने और वे उसकी बड़ी इज्जत मान सम्मान भी कराया करते खान पीन के हिसाब में जो देसी खाना खाए है। और ईब तो भाई जमाना फास्ट फूड का है, तू जानते है कौन भी रिश्तेदारी करेगी है उल्टा ही बिकते। चलो अताओ आप, मैं देख रहा हूँ कई देर तक आप भी बाट देख रहे हो। मैं वीडियो बनाया नहीं करता। अच्छा अच्छा नहीं जी, आपने जाना जी पुराना टाइम पे के कुछ वार दे किस प्रकार का खान पान हुआ करता, किस प्रकार का जो व्यवहार हुआ करता तो गांव में, वो सारी बात आपने देखने को सुनने को मिली चौधरी हरियाणा के आज के एपिसोड में जी। हमने आपको सैर करवाई मिर्जापुर गाँव की, तो जी अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी और गाँव की चौधरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा बीट्स। राम राम जी।